दोस्तों, तानाशाही और सनकीपन को लेकर जब भी बात होती है तो नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं जो नॉर्थ कोरिया को सबसे ज्यादा विवादित देश बना देती हैं। किम के लिए तो यहां तक कहा जाता है कि वो इतने सनकी हैं कि उन्होंने अपने चाचा को भूखे कुत्तों के आगे डलवा दिया था, और तो और वो झपकी आने पर अपने मंत्रियों को तोप से उड़वाने का फरमान तक जारी कर देते हैं। ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि वहां की जनता की जिंदगी क्या होगी। वैसे तो नॉर्थ कोरिया को लेकर जानकारी ज्यादा नहीं मिल पाती है, क्योंकि किम जोंग नहीं चाहते हैं कि उनके देश के बारे में दुनिया के बाकी देश ज्यादा जानकारी रखें। नॉर्थ कोरिया के बारे में जो भी जानकारी हासिल होती है वो नेट पर उपलब्ध खबरों से या फिर खुद नॉर्थ कोरिया की न्यूज चैनल से दी गई जानकारी से मिलती है। यहाँ हम अगर इन सारी बातों को साइड में रखकर ये सोचे कि अगर आने वाले समय में अचानक से किम जोंग को कुछ हो जाए तो क्या होगा, कौन नॉर्थ कोरिया की गद्दी को संभालेगा, कौन यहाँ का नया शासक होगा। दरअसल इस तरह की अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि सनकी किम जोंग बीमार चल रहे हैं, उनकी सेहत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का मीडिया इस बात को दबा रहा है और अपने यहाँ पर सब कुछ ठीक होने की बात कह रहा है। लेकिन दुनिया के बाकी देशों में अफवाहें सुनने को मिल रही हैं कि किम गंभीर रूप से बीमार है और उनकी कभी भी मौत हो सकती है। आपको बता दें कि उनकी हेल्थ को लेकर इस तरह की अफवाहें तभी से शुरू हुई जब 15 अप्रैल 2020 को यहां किम के दादाजी और उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इन सुंग के जन्मदिन के समारोह में शामिल नहीं हुए थे। उनकी एब्सेंस को लेकर साउथ कोरिया और अमेरिका का यह कहना था कि नॉर्थ कोरिया में अभी तक ऐसी कोई गतिविधि नहीं देखी गई है जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि किम जोंग उन बीमार हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है। साथ ही जब तक उत्तर कोरिया की सरकारी नियंत्रण वाली मीडिया कोई घोषणा नहीं करती है तब तक इस मामले में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ इस बात पर गौर किया जाए कि अगर ये अफवाहें सही हों तो फिर हमारा सवाल खड़ा होता है कि उनके बाद नॉर्थ कोरिया की राजगद्दी कौन संभालेगा, कौन होगा जो किम की जगह लेगा। किम जू ए, दोस्तों किम जू ए किम जोंग की बेटी का नाम है। टेनिस खिलाड़ी रोडमैन ने इस नाम की पुष्टि की है। बताया जाता है कि किम जोंग के 3 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। पिछले दिनों किम बैलिस्टिक मिसाइल रानसांग 17 की ऐतिहासिक सफल लॉन्चिंग टीम के वैज्ञानिकों और अन्य लोगों के साथ बैठक में शिरकत की थी। तब किम के साथ उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी मौजूद थी। जिस तरह से किम अपनी बेटी को लेकर दुनिया के सामने लेकर आए थे उसे देखकर लग रहा था कि वो अपनी बेटी को लेकर दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं। माना जा रहा है कि जैसे किम दुनिया के सामने अपने उत्तराधिकारी को पेश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी बेटी बहुत छोटी है, ऐसे में उनका उत्तराधिकारी बनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। किम यो जोंग, दोस्तों यहां अगर किम की छोटी बहन किम यो जोंग की बात करें तो वो कुछ समय से बहुत ही एक्टिव नेता रही हैं। उन्हें देश की पहली नेता की पसंद के तौर पर भी देखा जाता रहा है। आपको बता दें कि किम की बहन किम से भी ज्यादा खतरनाक है। वो अपने भाई बहनों में अकेली हैं जिन्हें किम जोंग उनका करीबी और ताकतवर सहयोगी माना जाता है। किम यो जोंग पहली बार 2018 में चर्चा में आई थी जब उन्होंने दक्षिण कोरिया का दौरा किया था। यहाँ वो शीतकालीन ओलंपिक में अपनी टीम के साथ नजर आई थी। इस दौरे के बाद किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया को लेकर काफी आक्रामक तेवर दिखाए थे। 1987 में जन्मी किम यो जोंग अपने भाई किम जोंग उन से उम्र में 4 साल छोटी हैं। उनकी पढ़ाई भी उनके भाई की तरह स्विट्जरलैंड में हुई थी। इस दौरे के बाद किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया को लेकर काफी आक्रामक तेवर दिखाए थे। 1987 में जन्मी किम यो जोंग अपने भाई किम जोंग उन से उम्र में 4 साल छोटी हैं। उनकी पढ़ाई भी उनके भाई की तरह स्विट्जरलैंड में हुई थी। किम यो जोंग को अपने भाई की सीक्रेट डायरी भी कहा जाता है। वो किम के हर काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके साथ ही वो कई पॉलिसी पर अपने भाई को सलाह भी देती हैं। लेकिन यहाँ उनकी बहन का माइनस पॉइंट ये है कि वो हर बात में बहुत जल्दबाजी भी दिखाती हैं, जिसके कारण उनसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं। लेकिन इन बातों को अगर साइड में कर भी दिया जाए तो यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि क्या नॉर्थ कोरिया एक महिला शासक को अपनाएगा। दोस्तों, उत्तर कोरिया की राजनीति और सामाजिक सेटअप में महिलाओं की अहम भूमिका है, लेकिन ताकतवर जगहों पर उनकी भूमिका बहुत कम है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या किम परिवार के सदस्य होने के कारण वो पितृसत्तात्मक समाज की चुनौती से पार जा पाएंगी। किम जोंग चूल, किम यो जोंग के बाद जिस दूसरे सदस्य का नाम आता है वो है किम जोंग चूल, जो किम जोंग उनके बड़े भाई हैं। वैसे तो किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल ने उन्हें उत्तर कोरिया के उत्तराधिकारी के तौर पर प्रमोट किया था, लेकिन उन्होंने सेना और राजनीति में कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके बाद किम जोंग उनको ये जिम्मेदारी दी गई। किम के भाई ज्यादा सार्वजनिक जगहों पर दिखाई नहीं देते हैं, वो काफी पर्सनल होकर जीते हैं। अगर पब्लिकली तौर पर देखने की बात करें तो साल 2015 में लंदन में दिखाई दिए थे।
जब वो अपने आदर्श गिटारिस्ट इरी कैलप्टन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में आयोजित कंसर्ट में नजर आए थे। वहीं अगर यहां नॉर्थ कोरिया की गद्दी संभालने को लेकर बात करें तो इसकी संभावना बहुत कम है कि किम जोंग चूल किम जोंग उनकी जगह लेंगे। किम प्योंग इल। वहीं अगर तीसरे शख्स की बात की जाए तो यहां किम जोंग उन के चाचा किम प्योंग इल का नाम सामने आता है। आपको बता दें कि पूर्व नौकरशाह किम प्योंग इल उत्तर कोरिया के दूसरे सुप्रीम लीडर किम जोंग इल के सौतेले भाई हैं। वहीं उत्तर कोरिया के पहले सुप्रीम लीडर किम इल सुंग के पुत्र के रूप में वो माउंट पैक्टू ब्लड लाइन के सदस्य हैं। एक समय में उन्हें किम जोंग इल के लिए खतरा माना गया था, लिहाजा किम प्योंग इल को 4 दशकों तक विभिन्न यूरोपीय देशों में राजदूत के तौर पर तैनात कर उत्तर कोरिया से बाहर रखा गया था। लेकिन साल 2019 में वो प्योंगयांग लौट आए थे, लेकिन उन्हें राज्य मीडिया से काफी हद तक दूर कर दिया गया था और कभी इतनी शक्ति नहीं विकसित होने दी गई कि वो नेतृत्व के लिए एक गंभीर चुनौती बन सके। लेकिन उत्तर कोरिया पर नजर रखने वाले कुछ जानकारों का कहना है कि किम जोंग उनके बाद शासन की बागडोर अपने हाथों में ले सकते हैं, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उनकी रगों में भी किम का खून है और वो एक पुरुष भी है। चोए रेयोंग हे। वाइस मार्शल चोए रेयोंग हे किम जोंग उनके दाहिने हाथ माने जाते हैं। इतना ही नहीं, इनके पास उत्तर कोरियाई संसद सुप्रीम पीपल्स असेंबली के प्रेसिडेंट भी हैं। वो 72 साल के चोए रेयोंग देश में सबसे शक्तिशाली शख्स के तौर पर देखे जाते हैं। किम जोंग उनकी शीर्ष जगह को सुरक्षित करने में उनका अहम योगदान रहा है। ऐसे में किम जोंग उन्हें काफी सम्मान भी देते हैं। आपको बता दें कि साल 2012 में सत्ता संभालने के कुछ ही महीनों के बाद चोए रेयोंग हे को एक साथ कई प्रमोशन मिले। उससे पता चलता है कि किम जोंग उनकी नजर में उनकी क्या अहमियत है। इसके साथ ही किम परिवार से अलग चोए देश के उन कुछ चुनिंदा नेताओं में शामिल है जिनका नाम उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया में नियमित तौर पर देखने को मिलता है। जिस तरह से ये एक्टिव रहते हैं उसे लेकर ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया के शासन की बागडोर किम परिवार के बाहर का सदस्य के हाथ में हो सकती है। ऐसे में चोए रेयोंग हे एक उपयुक्त दावेदार हो सकते हैं। दोस्तों, ये थे वो सदस्य जो उत्तर कोरिया की बागडोर को संभालने के लिए परफेक्ट माने जाते हैं और किम जोंग उनको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो इनका चुनाव कैसे होगा? क्या यहाँ वोटिंग होगी या फिर किसी दूसरे प्रोसेस से इन्हें चुना जाएगा? इसके बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं। दोस्तों, वैसे उत्तर कोरिया में गद्दी संभालने के लिए वारिस चुनने का तरीका काफी अलग होता है। यहाँ साल 1948 में देश के बनने के बाद से ही सत्ता पर किम परिवार के सदस्यों का दबदबा रहा है। इसके बाद से किम परिवार के ही 3 पुरुषों ने सत्ता संभाली है। हालांकि देश के नए सुप्रीम लीडर की घोषणा उत्तर कोरियाई संसद सुप्रीम पीपल्स असेंबली करती है, लेकिन माना जाता है कि ये सब किम परिवार ही तय करता है और असेंबली महज एक दिखावा है। दोस्तों, जब किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल 1994 में उत्तर कोरिया के संस्थापक अपने पिता किम इल सुंग की मृत्यु के बाद नेता बने थे, तब उन्होंने अपने शासन के दौरान उत्तर कोरियाई राजनीति में किम परिवार की अहम भूमिका को सुनिश्चित कर दिया था। उन्होंने इस तरह का मिथ बनाया था कि कोरियाई सभ्यता को पालने वाले पवित्र ज्वालामुखी माउंट पैक्टू के महान परिवारों में किम परिवार शामिल है। इस मिथ से उन्होंने ये धारणा बना दी कि उनके परिवार के लोगों का जन्म शासन करने के लिए हुआ है और किसी और के हाथों में जाने पर देश खत्म हो जाएगा। इसके बाद किम जोंग इल ने अपने बेटे किम जोंग उन को सत्ता सौंपी, जो कि वर्तमान में लीडर हैं। दोस्तों, किम जोंग उनका अपना परिवार है। किम जोंग के 3 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा है, लेकिन अभी वो बहुत छोटे हैं। उनकी उम्र इतनी नहीं है कि वो शासन संभाल सके। इसे देखकर साफ हो जाता है कि उत्तर कोरिया में किम जोंग उनकी जगह लेने के लिए किसी को संभावित नेता के तौर पर तैयार नहीं किया गया है। ऐसे में किम की असमय विदाई से एक वैक्यूम पैदा होगा जिसे भरना बेहद मुश्किल होगा। इस बारे में आपका क्या सोचना है? नॉर्थ कोरिया का अगला शासक कौन होगा? किसके हाथों में इसकी बागडोर जाएगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।